अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों ये इस चैनल की तीसरी वीडियो है, मॉडल पेपर नंबर 115 115। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का या इस पेपर का पहला एमसीक्यूज है वर्म इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर पहला ही होगा राइट वंस एंड रीड मैनी। तो पहला एमसीक्यूज राइट वंस एंड रीड मैनी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है गांधी जिना टॉक्स वर हेल्ड इन 1944 टू डिस्कस द सी आर फार्मूला। सी आर फार्मूला ये प्रिपेयर किसने किया था? तो इसका आंसर है राजा गोपाल आचार्य। जो सी आर है, इसका सी का मतलब है चक्रवर्ती और आर का मतलब है राजा गोपाल आचार्य। तो राजा गोपाल आचार्य ने इसको प्रिपेयर किया था, इस फॉर्मूले को। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कंप्लीट द इडियम्स प्रोवर्ब अ बैड वर्कमैन क्वरल्स विद हिज टूल्स। वो अपने टूल्स के साथ लड़ता है, झगड़ता है, ब्लेम करता है। नेक्स्ट है इन द ओबामा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन एस्टन कार्टर वाज द उसके एडमिनिस्ट्रेशन में ये था यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस था ये। अब जो प्रेजेंट है वो है ऑस्टिन। यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो प्रेजेंट है वो ऑस्टिन है, AUSTON ऑस्टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन डिड पाकिस्तान ज्वाइन इन 1969। ये एमसीक्यूज हम पिछले आई थिंक फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, 1969। OIC, OIC क्या चीज़ है? ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉरपोरेशन, जो कि 1969 में पाकिस्तान ने ज्वाइन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एड्स AIDS एड्स वायरस। एड्स जो चीज़ है ये होता है एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यून डेफिशिएंसी और आई से इम्यून, डी से डेफिशिएंसी और एस से साइनोड्रोम। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी साइनोड्रोम एक वायरस है, इसको HIV भी कहा जाता है। एच का मतलब होता है ह्यूमन, आई का मतलब इम्यून डेफिशिएंसी और वी का मतलब वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ, सॉरी सिक्स का जो है ये सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे हम ADB भी कहते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसमें आपने थोड़ा गौर किया कि एशिया की बात हो रही है, तो ये एशियन में ही कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो ये कहाँ पर लोकेट करता है? ये मनीला में लोकेट करता है, मनीला जो कि फिलीपाइन का एक सिटी है। ठीक, बैंकॉक थाईलैंड का एक सिटी है, टोक्यो ये जो जापान है उसका एक सिटी है, और कुआलालंपुर आई डोंट नो अबाउट दिस। नेक्स्ट है द नॉवल ओल्ड मैन एंड द सी वॉज रिटन बाय चार्लिस, नहीं सॉरी ये है अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इन्होंने ये जो नॉवल है ओल्ड मैन द सी राइट किया है। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट? फलस्तीन, फलस्तीन को लैंड ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन समिट WHS कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 23-24 मई 2016 इस्तंबुल टर्की। नेक्स्ट है विच कंट्री वॉज इन्वेडेड ट्वाइस बाई जर्मनी इन द 20th सेंचुरी एंड इट सेल्फ हैड अ ब्रूटली कॉलोनाइज कॉन्गो? इट्स बेल्जियम। ही सजेस्टेड दैट द मीटिंग बी पोस्टपोन्ड। मैथ को स्किप करेंगे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी? हाइएस्ट अवार्ड फॉर ब्रेवरी जो है वो निशान शुजात है, क्योंकि जो वर्ड शुजात है ना उसका मीनिंग ही ये है बहादुरी, शुजात बहादुरी। ये सितारे शुजात, हिलाले शुजात, तमगा शुजात, ये तमाम बहादुरी पर ही मिलते हैं। इन तमाम में जो हाईएस्ट है ना वो निशान शुजात है। मज़ीद डिटेल आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है अब्दुल ग्रैब द बॉय एंड रोल्ड हिम ऑन द ग्राउंड टू स्मूथ द फ्लेम। ठीक, चूज़ द करेक्ट मीनिंग। इनोवेट, इनोवेट क्या होता है? इनोवेट कहा जाता है कि डिप्राइव ऑफ फोर्स,
किसी फोर्स को किसी करेज को कम करना। तो कम करना हमने करेक्ट मीनिंग देखना है, मीनिंग में फिर वीकर आएगा इसका, ठीक। क्योंकि स्ट्रेंथ तो हो जाएगा उसकी ताकत, एक्साइट हो जाएगा पुरजोश, फ्रेटन हो जाएगा डरना, तो वीकन इसको एग्जैक्ट मीनिंग उसका देता है ये। नेक्स्ट को छोड़कर आगे हम चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है द ट्रूस ऑफ हुदैबिया वाज एन इम्पोर्टेंट इवेंट इन इस्लामिक हिस्ट्री। हुदैबिया वाज द नेम ऑफ, हुदैबिया एक कुएं का नाम था। हुदैबिया क्या है, ये इस्लाम में, इस्लामी वाक्यात में, इस्लामी इवेंट में ये हुआ था जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ 1400 सहाबी के साथ हज करने के इरादे से मक्का गए थे, ठीक है। और ये जो सुलह हुदैबिया है ये 6 हिजरी को हुआ था, ज़िलकत 6 हिजरी को हुआ था, ठीक। और अगर हम दूसरे ईयर में देखें तो मार्च 1628 में हुआ था। कायदे अज़म, सॉरी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि 571 एडी में बॉर्न हुए थे, 632 में वो डिमाइस उनका हुआ था, और 632 में ही खुतबा हिजतुल विदा हुआ था। 628 का ये हुदैबिया जो वाक्या हुआ था, ठीक। इसी में ही हुदैबिया में ही हज़रत उस्मान जो थे वो बात करने के लिए मक्का के अंदर गए थे, और काफ़ी देर तक बाहर ना आने की वजह से बाहर के लोग जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने ये समझा कि उन कुफारे मक्का ने उन्हें नाउज़बिल्ला कत्ल कर दिया है। तो उस वक़्त आप सल्लम ने तमाम वहाँ मौजूद लोगों से बैत ली थी और ये कहा था अगर उन्होंने कत्ल किया है तो हम उसका बदला लिए बगैर नहीं जाएंगे। तो उस वक़्त की जो बैत ली गई थी उसको हम बैत रिज़वान कहते हैं, ठीक है। मज़ीद इसकी तफसील के लिए वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो आप अभी इतना ही समझ लीजिए। नेक्स्ट MCQs मैथमेटिक्स छोड़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। इन 2016 पाकिस्तानी बॉर्न ब्रिटिश बॉक्सर आमिर खान लॉस्ट अ बॉक्सिंग अबाउट अगेन सोल कैनेटो एल्वेरेज, टू विच कंट्री डज कैनिलो एल्वेरेज बिलोंग। ये मैक्सिको से बिलोंग करते थे। द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन ये ब्लेसे पास्कल ने बनाई थी। हु सक्सीडेड प्रेजिडेंट ज़ियाउल हक एज द प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, गुलाम इसहाक खान। नेक्स्ट व्हाट वाज द अमाउंट दरहम फिक्स एज अ हक के मेहर, तो हक मेहर में 500 दरहम फिक्स हुए थे। नेक्स्ट मैथ है, मैथ काफ़ी टाइम लेगी इसलिए हम इसको नेक्स्ट देखेंगे। हु वाज द निकोलस सरकोजी, निकोलस सरकोजी कौन है, ये फॉर्मर फ्रेंच का प्रेसिडेंट था। फॉर्मर FORMER का मतलब होता है पहला मीन्स फर्स्ट नहीं, पहले से मतलब इससे पहले ये था। बर्ड्स आर कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड ऐसे एनिमल्स होते हैं जो माहौल के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, माहौल के मुताबिक ढाल लेते हैं। कोल्ड ब्लडेड जो ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर हम इंसानों की बात करें तो ये जो है ये वार्म ब्लडेड है, ठीक है, ये माहौल के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग ड्राउट विच नमाज इज परफॉर्म, ड्राउट कहते हैं सैलाब को, सैलाब का बात है जब ज़्यादा बारिश आती है, तो सलाते इस्तस्का ये नमाज पढ़ी जाती है। और जो इससे नीचे नमाज है सलात खसूफ, ये ल्यूनर इस्लिप्स जब चांद ग्रहण लगता है तब पढ़ी जाती है। उसके बाद एक सलात किसूफ जब सूर्य ग्रहण लगता है तब पढ़ी जाती है, ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज एंटोनिम ऑफ सबसीक्वेंट, सबसीक्वेंट कहते हैं बाद में आने वाला, तो इसका एंटोनिम उसने पूछा है तो प्रीरियड आएगा जिसका मीनिंग होता है पहले आने वाला, ठीक। नेक्स्ट MCQs है ऑफ द फॉलोइंग विच सिटी रिसीव हिलाल इस्तकलाल फॉर द हीरोइक रेजिस्टेंस ड्यूरिंग 1965 इंडो पाक वार। उसमें सियालकोट सिटी और एक और सिटी है जो कि लाहौर है, इन्होंने हीरोइक रेजिस्टेंस ली तो हिलाल इस्तकलाल जो अवार्ड है वो अपटेन किया था, हासिल किया था। द हेडक्वार्टर ऑफ असीन, असीन का चीज़ है, असीन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
इसका जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, जकार्ता इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, ऑन September 9, 1968 पाकिस्तान परचेज ग्वादर, ये ओमान से ग्वादर को परचेज किया था, और ग्वादर हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये बलोचिस्तान में मकरान के मुकाम पर है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है वो बोन्स को वीक कर देती है। नेक्स्ट है पाकिस्तान फिजिकल ईयर, फिजिकल ईयर किसी भी कंट्री का या किसी भी कंपनी का वो ईयर होता है जिसके दौरान उसने एक साल का पीरियड होता है जिसके दौरान उसने अपने तमाम बजट के लिहाज से तमाम चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। और पाकिस्तान का जो फिजिकल ईयर है वो 1 जुलाई से 30 जून तक रहते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज़ द डिप्टी प्रेजिडेंट ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिप्टी प्रेसिडेंट थे मौलवी तमीज़ुद्दीन खान। ठीक, द ब्लू मॉस्क ऑफ द मॉस्क ऑफ सुल्तान अहमद इज़ लोकेटेड, ये कहाँ पर मौजूद है ब्लू मॉस्क, ये इस्तांबुल टर्की में मौजूद है, तो यहाँ पर बस इस्तांबुल। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फ्लो इन अफ्रीका, जो कि अफ्रीका में नहीं बहता, ये हम पहले भी कर चुके हैं, टिग्रेस रिवर अफ्रीका में नहीं बहता, नील भी बहता है, और जो नील जो कि अफ्रीका में और पूरी दुनिया में लॉन्गेस्ट रिवर कहा जाता है, कांगो और जेमिनी भी, ये भी अफ्रीका में बहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, इसको मगना कार्टा भी कहा जाता है, MAGNACARTA, इसको मगना कार्टा भी कहा जाता है, और ये 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई थी, और प्रेजेंट किसने की थी, ये लियाकत अली खान ने की थी, क्योंकि लियाकत अली खान उस वक्त के सदर आज़म थे। हज़रत शाह वलीउल्लाह अ ग्रेट रिलीजियस स्कॉलर वाज बॉर्न ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगज़ेब के ज़माने में इनकी पैदाइश हुई थी, पैदा हुए थे। वो प्रिजाइडेड ओवर द 72 सेशन ऑफ यूएन जनरल असम्बली फ्राम द September 12, और ये मिरोस्ला लेजैक। द शॉर्टकट की टू क्लोज सेलेक्टेड विंडो, क्लोज करने के लिए हम Alt+F4 को यूज़ करते हैं। ठीक है, चेंज द पैसिवाइज, पैसिवाइज के लिए हम एक मुकम्मल डिटेल वीडियो रखेंगे, बट फिर वक्त के लिए आप ये देख सकते हैं, फ्लावर्स हैव ग्रोन ऑल ओवर द फील्ड, द फील्ड वाज ऑल ओवर बीन, द फील्ड वाज ऑल ओवर बीन ग्रोन विद द फ्लावर्स। तो इसको अभी आप ऐसे ही याद करें, इंशाल्लाह डिटेल वीडियो इसकी जल्दी हम अपलोड करेंगे। नेक्स्ट है कंप्लीट आइडियम प्रोग्राम, अब स्लीपिंग फॉक्स कैचिज नो पोल्ट्री, कोई पोल्ट्री कैच नहीं करती। बगली हार डैम लोकेटेड इन डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन ऑक्योपाइड कश्मीर, ये कहाँ पर है, चेनाब रिवर पर, चेनाब रिवर। नेक्स्ट, इसको भी स्किप करते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, नेम द कैमल विच द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम व्हाइल राइडिंग ऑन द माइग्रेशन ऑफ मदीना कस्वा। और उसके बाद है गल्फ ऑफ सिदरा, गल्फ ऑफ सिदरा इज अ प्रेजेंट ऑफ द कोस्ट ऑफ, गल्फ ऑफ सिदरा से क्या मुराद है, ये एक किस्म की वाटर बॉडी है। ठीक है, ये लीबिया पे, कोस्ट ऑफ लीबिया में मौजूद है। इंडिया अटैक पाकिस्तान अक्रॉस 6 September 1965 योम दिफा ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम डिफेंस डे भी कहते हैं। अस्माल टोनी सैंडिक कैटी 15, हम ये पहले कर चुके हैं अगर आपको याद हो, फिश हर्पर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज मोस्ट अबंडेंट इन द एयर, नाइट्रोजन जो कि बहुत ही ज़्यादा है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, और बाकी जो 1% या 2% रहती हैं वो बाकी गैसेज मौजूद हैं हवा में। वाटरलू ये बेल्जियम के मुकाम पर मौजूद है। ठीक है, नेपोलियन जहाँ पर डिफीट हुआ था सीजन बेल्जियम। नेक्स्ट है कंप्लीट आइडियम, द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे स्टे द सेम। ठीक है, ये एक आइडियम है, इसको आपने ऐसे ही याद रखना है जैसे कि मैंने आपको बताया विदाउट देखते हुए। ठीक, तो स्टे द सेम, सॉरी दैट इज करेक्ट। हु इन्वेंटेड द पोलियो वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन किसने इन्वेंट की थी, पोलियो वैक्सीन ओरली बात करें तो की थी अल्बर्ट सेबिन ने ओरली। ठीक है, 1954 में, 1954 में जब ओरली होगी तो प्रैक्टिकली जॉनस साल्क ने कर दी 1955 में, एक साल बाद। ठीक, नेक्स्ट है यूफोनियस, यूफोनियस का ओपोजिट बताना है। यूफोनियस कहते हैं कि कुछ प्लेजेंट साउंड, स्वीट साउंड, अच्छा साउंड, तो इसका ओपोजिट क्या होगा,
कैकोफोनिक, जिसका मीनिंग होता है अनप्लेजेंट साउंड। ठीक, उसके बाद कंप्लीट द आइडियम प्रोवर्ब टू रोप अ पीटर टू पे अ पॉल ऑन जुलाई 16, 2017 विच कंट्री सेलिब्रेटेड द फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ अ फेल्ड मिलिट्री कॉप। ये टर्की ने ऐसा किया था। उसके बाद है हना लेक कहाँ सिचुएट है, हना लेक कोयटा में सिचुएट है। हना लेक कोयटा में सिचुएट है। आगे हम बात करते हैं विच लीडर रिजाइन फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी जस्ट बिकॉज इट डिड नॉट गिव प्रेयर ब्रेक इट्स सेशन। तो इनका नाम था हजरत मौलाना हजरत हसन मोहानी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉरेन ट्रीटीज वाज पास इन यूनाइटेड नेशन विद 122 वोट इन फेवर एंड ओनली वन अगेंस्ट ऑन जुलाई 7, 2017। ठीक है, तो ये जनाब ट्रीटी थी कि न्यूक्लियर वेपन्स की किसको हम यूज़ ना करें। 122 वोट जो थे वो इसके हक में हुए और एक वोट इसके अगेंस्ट हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफाई पाकिस्तान लार्जेस्ट डैम इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग कैपेसिटी। लार्जेस्ट डैम है तरबेला डैम, तरबेला सर सैयद अहमद खान। हु स्कोर द टेस्ट क्रिकेट फॉर टेस्ट सेंचुरी फॉर द पाकिस्तान इंडिविजुअल नज़र मोहम्मद। उसके बाद हु स्कोर द ओनली गोल टू गिव द पाकिस्तान द फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इन 1960 नसीर बंदा। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान होस्टेड द सार्क समिट फॉर फर्स्ट टाइम इन 1988 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान होल्ड कर रहा है। सार्क जो है जिसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में मौजूद है। ठीक है, 1988 में इसने क्या किया है, होस्ट पाकिस्तान ने इसे होस्ट किया था। द लास्ट टाउन इनसाइड पाकिस्तान ऑन द कराकरम हाईवे बिफोर द चाइनीज बॉर्डर इज सोस्ट SOST सोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा परमानेंटली, हार्ड डिस्क। इन 10th of the year, a very dear and near uncle of the Holy Prophet, peace be upon him, died. What was his name? Hazrat Abu Talib. Change the speeches. इसमें हमारे पास change the interactive. We said, bravo, Shahid, you have played very well. Shahid, you have played very well. तो we applauded, हमने appreciate किया, applaud किया Shahid saying, ये कहते हुए that he had प्लेड वेरी वेल, बहुत ही उसने अच्छा खेला। अपलोड हम एक पहली वीडियो में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अपलोड के बारे में। आगे सिनोनिम ऑफ कोगुलेट, कोगुलेट होता है किसी चीज़ को मिक्स करना, किसी चीज़ की सॉलिडिटी करना। तो इसका जो बेस्ट सिनोनिम रहेगा ना वो होता है सॉलिडिटी, उसको मजबूत बनाना। नेक्स्ट है व्हाट रिप्रेजेंट द शॉर्टेस्ट पॉज इन द सेंटेंस, कॉमा। स्पीड ऑफ लाइट 186,000 माइल्स पर सेकेंड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रेजोल्यूशन ऑफ डिवाइड एंड क्वाड 1943 वाज इन रिस्पांस टू द क्वाइट इंडियन मूवमेंट। कांग्रेस जो थी, कांग्रेस जो कि 1885 में बनी थी, कायदे आज़म ने 1906 में इसे ज्वाइन किया था, 1920 में इसे रिज़ाइन कर दिया था। उसने क्वाइट इंडिया मूवमेंट तहरीक का आगाज़ किया। ठीक है, और इसके जवाब में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी थी और कायदे आज़म ने इसे 1913 में ज्वाइन किया था, डिवाइड एंड क्वाइट मूवमेंट 1943 में इसके रिस्पांस में चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, वेयर इज द मुगल एम्पायर ज़हीरुद्दीन बाबर बरीड। ये काबुल में बरीड है। ठीक है, काबुल अफगानिस्तान। किस्सा सोनी माहिवाल, रिटन बाय हाशिम शाह, सोनी माहिवाल हाशिम शाह ने लिखा है। ही रन द वारिस शाह ने। व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व बाय द गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी वो 1954 में डिसॉल्व कर दी गई। कंप्लीट द नंबर
वो नेक्स्ट है मैथमेटिक्स को छोड़कर, हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक डॉटर ऑफ द ईस्ट, मोहतमा बेनजीर भुट्टो। हु वाज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम, यूनस खान 2010 में। उसके बाद है विच कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी आसो कॉन्करेंसी सर्वड एज अ डिफेंस मिनिस्टर इन द कैबिनेट, जो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो जनरल अयूब खान। नेम द लार्जेस्ट मैमल ऑफ द वर्ल्ड, बिलू वेल लार्जेस्ट मैमल है। इन विच प्रोविंस इज द टाउन डलबर्टन लोकेटेड, डलबर्टन लोकेटेड ये के पी के, डलबर्टन डलबर्टन ये बलोचिस्तान में, नॉट के पी के। कंप्लीट द प्रोवर्ब, अ फ्रेंड इज नीड, अ फ्रेंड इज इन डीड। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट, ये साहिवाल में। 1857 वर इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्राम, ये मिरुट से स्टार्ट हुई थी, ये मिरुट से स्टार्ट हुई थी। शमीम ओबे चुनोई वोन एन अवार्ड फॉर द सेकेंड टाइम फॉर द डॉक्यूमेंट्री मूवी अर गर्ल इन अ रिवर। कंप्लीट द इडियम, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इडियम इनका कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है ना, तो इसको आपने ऐसे ही याद करना पड़ेगा। मीनिंग से मुराद किसको हम एज अ वर्ड टू वर्ड इसको उल्टे नहीं कर सकते, इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग होता है। जैसे अगर हम देखते हैं कि माइट इज़ राइट, अब माइट इज़ राइट का मुहावरा है जो कि इंग्लिश में लिखा जाता है, माइट इज़ राइट का मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना। तो इडियम्स को, फ्रेजेस को, इसको आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। इन विच ईयर डिड पाकिस्तान विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक हॉकी गोल्ड मेडल, पाकिस्तान ने अपना पहला हॉकी ओलंपिक गोल्ड मेडल जो है वो विन किया था 1960 में, 1960 में किया था। सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन का नीचे आंसर वन है तो वन इसको लिख लें क्योंकि ये यहाँ पर वन है। नेक्स्ट है तवील का मतजाद अरीज है। माइट इज़ राइट, जो अभी होगा जिसके राटी उसकी बहन, काद के नौसदा नहीं बहती, धोखा हर वक्त नहीं चलता। हाथ कंगन को आरसी किया, ठीक, जाहिर बात के सबूत की ज़रूरत नहीं। उर्दू के अजीम शायर कुबादी का असल नाम क्या है, उनका असल नाम है अकबर हुसैन रिजवी। किताब अरबगान हिजाज का मनसब कौन है, अल्लामा इकबाल, मुसन्निफ है, सॉरी। मंदिर में दो जुमला कौन सा है, दो जुमला है हमारे पास किसी को गालियां मत दो, ठीक, किसी को गालियां मत दो। धान पान होना क्या मतलब है, धान पान होना दुबला पतला होना। मुद्दे में से कौन सा शहर अपनी मरसिया निगारी के लिए मशहूर है, मीर अनीस अपनी मरसिया निगारी बहुत मशहूर है। शाहनामा इस्लाम की तसनीफ है हफीज जलंधरी। दोस्तों यहां तक हमारा तीसरा पेपर भी कंप्लीट हो चुका है, तो आपके वॉच करने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर लाजमी कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।